हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और हैं, मिस्टर जयेश मोरे जी, और ये हमारे पास सेकेंड सिटिंग पे आए और ये गुजरात कैंप में आए, गुजरात के रहने वाले। तो गुजरात में पहली सिटिंग इन्होंने कानपुर में ले ली थी, दूसरी सिटिंग आज इनकी यहाँ पर हुई है करीब 6 मंथ बाद। तो जयेश जी से जानेंगे कि पहला सेटिंग का एक्सपीरियंस और दूसरा सेटिंग का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा, तो बताइए जयेश जी। सर जी, पहला सेटिंग करवाया तब 60-70% तक फायदा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की और रोड एड फॉलो किया तो उससे और ज़्यादा फर्क पड़ा। तो 60-70% तक मैं आ गया था। और उसके बाद आपका वहाँ पर मैं थेरेपी लेने आने वाला था कानपुर में, और आपने बोला भाई यहाँ पर कैंप लगने वाला है, तो फिर मैंने यहाँ पर आ गया मार्च में। फिर भी मेरा 6 महीना निकल गया और अभी इतना बेटर लग रहा है कि चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थेरेपी का है पर वो 3-4 दिन आराम करूँगा तो निकल जाएगा। और मुझे तो लगता है 80-90% तक फायदा हो चुका है। और मैं तो, मेरा ऐसा मानना है कि शायद मैं तीसरी थेरेपी में आ ही ना पाऊँ। सही बात है, इससे पहले मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ, उतना फोर्थ ग्रेड के हिसाब से आपका वॉकिंग वॉकिंग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सब आपकी मेहनत और भगवान माता जी की दया है। नहीं, वो तो खैर है। फिर भी थोड़ा ज़्यादा है अभी प्रॉब्लम, पर हो जाएगा। 80-90% तो इतना तो कोई नहीं कर पाता है सर जी, और विदाउट ऑपरेशन हो भी। सही। थेरेपी है, एक्सरसाइज भी मैंने लास्ट 15 दिन से बहुत कम कर रहा था घर में। तो क्या अभी थोड़ा थेरेपी में भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो क्या है कि एक्सरसाइज, आप मैं इधर आया उससे पहले थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा दिन किया होता तो अच्छा रहता। 15 दिन में शायद मैं 2 या 4 बार एक्सरसाइज किया मैंने लास्ट में, अभी यहाँ आने से पहले। अच्छा अच्छा। फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस, अच्छा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया। आपका स्टाफ भी अच्छा है, आपका पॉजिटिव माइंड जो है सर जी, सही में जो आप होता वो फैक्टिव बोलते हैं। अगर हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दूसरी की तरह नहीं कि भाई हमारी दवाई लो, हमारा वो कराओ तो होगा, फिर नहीं होता वो, ऐसा नहीं है। जो भी आप फैक्टिव बोलते हैं, और ये जो आपका पॉजिटिव अप्रोच है ना, सही में सबको अच्छा लगता है। और मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन होता हूँ सर जी। सही, हम शायद 1.5 साल से कांटेक्ट में हैं। ठीक है, 1.5 साल हो गए, पर मैं 10 महीने लेट हो गया आपकी थेरेपी में, तो ग्रेड मेरा बढ़ गया। तो सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा ही आपको एवियन के बारे में पता चले तो कोई घबराएगा मत कि भाई साहब जी है ऐसा है, कानपुर बहुत दूर है तो नहीं जा सकते क्या है, मतलब ऐसा घबराने का चीज़ नहीं है, ये जाना ही है। मतलब ये जो अभी चुप गए ना, एक बार लेट हो गए ना मेरे जैसे 10 महीने, तो ग्रेड बढ़ जाएगा और फिर मेरा तो 4th वाला हो गया है अभी। तो देखिए, आपकी मेहनत है और भगवान माता जी की दया है, तो उसकी वजह से मैं इतना अच्छे से चल पा रहा हूँ। जरा चल के दिखाओ थोड़ा सा, बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कोई कह नहीं सकता ये 4th ग्रेड का पेशेंट है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि फीमर हेड काफ़ी हद तक डैमेज है, आधा हो चुका है, फिर भी चलने में कोई कह ही नहीं सकता कि अभी ये थेरेपी का थोड़ा थकान है ना बड़ी में। हाँ, वरना तो और बढ़िया, और बढ़िया। बाकी 5 दिन या 6 दिन के बाद आपको मैं मेरा वीडियो बना के भेजूंगा, फिर आप बोलिएगा कि नहीं तुमको तो कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मेरे पड़ोसी है ना, वो भी बोल रहे थे कि भाई अभी ये तुम्हारा ग्रेड ज़्यादा है, बढ़ गया है, तुम है ना रिप्लेसमेंट का। मैंने बोला आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, उनके रिलेटिव में उन्होंने करवाया कि अभी तो वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिप रिप्लेसमेंट करवा लिया। मैंने बोला आप कुछ भी करिए पर हिप रिप्लेसमेंट मत करवाए, मेरा 4th ग्रेड है, फिर भी मुझे इतनी हिम्मत है ना कि नहीं करवाना तो नहीं करवाना, हिप रिप्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करवाना। तो उसी वजह से मेरा पॉजिटिव माइंड है और पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं चल रहा हूँ। तो सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई नेगेटिव ना सोचे कि मुझे एवियन हो गया तो उसका कोई निकाल, मतलब कोई सारवार नहीं है या फिर कोई उसका निदान नहीं हो सकता है सर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर जयेश मोरे जी, आपने देखा इनके विचार सुने, और आप सभी लोग हमारे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, सो दैट कि हमारी लोकेशन से रिलेटेड एज वेल एज एवियन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या डाइट लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या चीज़ अपने हमें अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए जिससे कि हम एवियन से फाइट कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।